दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में एडा पेन जेल के बारे में। भाई क्या है, कहाँ चलती है, किस तरह से काम करती है, साइड इफेक्ट क्या है, डोज क्या है, जानेंगे सब कुछ। सो देखिएगा, देखिए एडा पेन एक ब्रांड नेम है इंटास कंपनी का। इंटास कंपनी बनाती है, दवाई की दुकान पर यह मिल जाती है, लेकिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, सेल्फ यूज नहीं किया जाता है इस जेल का। कई बार दोस्तों इस नाम से नहीं मिलती है कुछ केमिस्ट स्टोर पर, तो आप अल्टरनेटिव ब्रांड ले सकते हैं सेम सब्स्टिट्यूट में, जैसे कि डेरिवा एमएस जेल आती है ग्रीनबर्ग कंपनी की, एपी जेल आती है एच एंड एच कंपनी की, एडिफा आती है इपका कंपनी का। ये सभी जेल फॉर्म है, सभी में सेम सब्स्टिट्यूट आता है, सेम सोल्ट आता है। बात करें भाई यूज कहाँ है, तो दोस्तों कई बार फेस की स्किन के ऊपर कील मुहासे आने लगते हैं, हार्मोनल चेंज के कारण कहो या फिर किसी इन्फेक्शन के कारण या किसी और रीजन के कारण, वहाँ सभी में ये काम करेगी। अगर कील मुहासे की दिक्कत है तो कील मुहासे को कम करती है, बनने से रोकती है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड में भी काम करती है, उनको रिमूव करती है, अगर छोटे छोटे दाग धब्बे हैं स्किन के ऊपर वहाँ पर भी काम करेगी, छाया की प्रॉब्लम में भी काम करती है। बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, किस तरह से काम करती है, तो इसके अंदर आता है एडापलिन 0.1%। एडापलिन दोस्तों विटामिन ए का ही एक डेरिवेटिव होता है, जो कि स्किन को अच्छा ग्लो देता है, लुक देता है, दाग धब्बों को कम करता है, सूजन को कम करता है, ठीक है। देखिए कई बार फेस की स्किन के ऊपर सीबम ज़्यादा बन जाता है, सीबम एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो नेचुरल तरीके से फेस की स्किन के ऊपर बनता है, जो कि स्किन को प्रॉपर ऑयल प्रदान करता है, लेकिन कई बार वो ऑयल ज़्यादा बन जाता है, जिसके कारण जो पोर्स होते हैं स्किन के, छिद्र होते हैं, वो बंद हो जाते हैं, फिर उसके नीचे एक्नी बनने लगती है, तो उन्हीं छिद्र को ही ओपन करता है, सीबम को बनने से कम करता है, ऑयल को बैलेंस रखता है, इस तरीके से काम करता है, दाग धब्बों को घटाएगा, छाया को भी कम करता है। बात करें डोज के बारे में, भाई कितनी बार लगाएं, किस तरह से लगाएं, तो वैसे तो एडापलिन जेल रात को लगाई जाती है, दिन में एक बार, लेकिन आप सुबह शाम भी लगा सकते हैं, उतने ही एरिया में लगाना है जितने एरिया में दिक्कत है, बाकी सेफ एरिया में नहीं लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दोस्तों लगाने से पहले चेहरे को क्लीन कर लीजिएगा, सूखने के बाद आप लगा सकते हैं, कोई भी नॉर्मल फेस वॉश से, साबुन से आपकी चेहरा क्लीन करके लगाना है, मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। साइड इफेक्ट भी जान लेते हैं, थोड़ी बहुत कर सकती है, जलन होना, इचिंग चलना, पपड़ी सी बनना, कील मुहासे बढ़ जाना, ये साइड इफेक्ट है जो रेयर है, हर किसी को नहीं होते, दबाने की बात नहीं। सावधानी ये है, सेल्फ यूज़ मत कीजिएगा प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में सेल्फ यूज़ नहीं करना है, डॉक्टर से पूछना अच्छा रहता है। दोस्तों लगाने के बाद बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो, जलन बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा स्किन खराब हो जाए, लाल हो जाए, तुरंत यूज़ करना बंद कर दीजिएगा, डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा। लगाने के बाद हाथ को अच्छी तरह से एक बार धो लीजिएगा। संपूर्ण रिव्यू था, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, कुछ भी समझा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं वीडियो में।